साथियों, अप स्टॉक में एक साथ इंट्राडे ट्रेडिंग में टारगेट और स्टॉप लॉस आप कैसे लगाते हैं, आइए हम लोग पूरी डिटेल्स में दिखाते हैं, पूरी डिटेल्स में समझेंगे कि किस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको अपना अप स्टॉक अकाउंट को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आप देखेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप जहां भी काम करते होंगे, आप जिस भी इंडेक्स में काम करते होंगे, आप यहां पे इस कॉर्नर पे क्लिक करके आप उस इंडेक्स को यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे निफ्टी 50 है, फिन निफ्टी है, सेंसेक्स है, फिन निफ्टी हो गया, बैंक एक्स हो गया, ये तमाम चीज़ें यहां पे दिख रहा है। ठीक है, निफ्टी बैंक भी है यहां पे, टोटल चीज़ें यहां पे हैं। तो आपको जिस भी इंडेक्स में काम करना उस इंडेक्स को यहां पे सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए अभी हम फिलहाल निफ्टी 50 को देख लेते हैं। तो निफ्टी 50 में हम यहां पे सिलेक्ट हो गया और यहां पे हमें क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। देखेंगे यहां पे समरी है, चार्ट है, ऑप्शन चेन है, स्ट्रेटजी है। ठीक है, तो आपको यहां पे सबसे पहले ऑप्शन चेन पे जाना है। ओके, सो ऑप्शन चेन पे जाने के बाद आपको यहां पे सिलेक्ट करना है कि कौन सा आईटीएम आपको बाय करना है, क्योंकि इसके ऊपर जितना भी है ये टोटल का टोटल ओटीएम है। ठीक है, ये पुट साइड के लिए, इसके नीचे जितना है वो ओटीएम है। आपको किस साइड के लिए, ये कॉल साइड के लिए, ये टोटल का टोटल आईटीएम है कॉल साइड के लिए, ये टोटल के टोटल आईटीएम है पुट साइड के लिए। चलो तो फिलहाल मैं देख लेता हूँ कि ये अभी हम इसके ऊपर देखते हैं 22,250 पे। इस पर क्या करना है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप नीचे देखेंगे, नीचे आपके पास एक ऑप्शन आ गया होगा बाई का। बाई के जस्ट बगल में आपको देखेंगे जीटीटी का ऑप्शन है। ओके, सो जीटीटी के ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। आप यहाँ पर देख लेंगे सबसे नीचे जीटीटी का ऑप्शन है, एंड जीटीटी के ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। जैसे जीटीटी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पूछा जाएगा लॉट साइज। ओके, सो आपको पता है कि एक लॉट लेने में टोटल 50 यानी कि 50 क्वांटिटी होता है। तो यहां पे हम एक लॉट फिलहाल लेते हैं, तो एक लॉट में हम क्या करेंगे, यहां पे 50 क्वांटिटी ऐड कर देते हैं। ठीक है, ओके, तो यहां पे हम 50 क्वांटिटी डाल दिए। डालने के बाद यहां पे आप देखिएगा इफ प्राइस इज बिलोंग, मतलब किस प्राइस में बाई करना चाहते हैं, यहां पे ये सबमिट करना पड़ता है हमको। ठीक है, अगर मान लिया जाए हम चाहते हैं कि नहीं इससे, इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको सारा कुछ डिटेल्स निकालना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे चलो यहां पे हम निकालते हैं, हमें बाई करना ना कि सेल करना। ठीक है, तो हम चाहते हैं इफ प्राइस इज बिलोंग, मतलब यहां तक इसका प्राइस आएगा तो आप इसको नीचे में बाई करना, तो ये यहां पे आप लगा सकते हैं। ओके, लेकिन आप चाहते कि नहीं इससे ऊपर जाकर के मुझे बाई करना है, तो इससे ऊपर जाएगा तब बाई करेंगे, तो आप यहां पे टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये मार्केट प्राइस पे में बाई करना है, तो डायरेक्ट आप इमीडिएटली पर सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये मार्केट प्राइस यहां पे देखिए सिलेक्ट हो जाएगा 157.50। तो अब यहां पे देख लीजिए 157.50, आप यहां पे देख लीजिए आ गया ऑटोमेटिक 157.50। अब उसके बाद क्या करना है, आप यहां पे देखिए दो ऑप्शन आपके सामने है, उस वक्त ऐसा रहेगा। ठीक है, तो आपको स्टॉप लॉस पे यहां पे क्लिक करना है। जैसे आप यहां पे स्टॉप लॉस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास स्टॉप लॉस लगाने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप यहां पे आपको डिसाइड करना है कि कितने आप स्टॉप लॉस लेना चाहते हो। ओके, सो मान लिया जाए कि हम अपने कैपिटल के अनुसार ज्यादा नहीं 10% का स्टॉप लॉस लेते हैं अपने कैपिटल का। तो 10% का जैसे हम स्टॉप लॉस लेते हैं तो देखिए यहां पर स्टॉप लॉस क्या आ जाएगा, तो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा 141.75। ओके, सो जैसे इसका प्राइस 141.75 होगा, ऑटोमेटिक ये मेरा एग्जिट हो जाएगा। ओके, अब चलिए हम देख लेते हैं टारगेट। तो टारगेट कैसे लगाएंगे, तो यहां पे देखिए नीचे टारगेट का ऑप्शन है। ओके, सो टारगेट पे हम क्लिक करेंगे तो फिर इसी तरीके से आ गया। तो हम चाहते कि नहीं हम अपने कैपिटल का अगर 10% स्टॉप लॉस लेता है ना, तो हम कम से कम 30% टारगेट लेंगे। ओके, सो 30% अगर हम टारगेट लेते हैं तो यहां पे देखेंगे कि इसका प्राइस ऑटोमेटिक आपको 204.75 होगा, तो ये मेरा एग्जिट हो जाएगा। या तो मुझे मार्केट में हमसे 10 पॉइंट लेकर के जाएगा 10% एज ए अपने कैपिटल का, या तो फिर मुझे मार्केट आपको 30% यानी कि देख लिया जाए तो मुझे 30% यानी कि 204.75 इसका प्राइस हो जाएगा, तो ये एग्जिट हो जाएगा। उसके बाद कुछ नहीं करना है, सिंपली आप यहां पर देख लिख लीजिए कि रिक्वायरमेंट जो बैलेंस है वो रिक्वायरमेंट बैलेंस आपसे यहां पर मांगा जाएगा, उतना आपके पास फंड में होना चाहिए। उसके बाद रिव्यू टू बाय ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। आप यहां पे देख लीजिए रिव्यू टू बाय ऑर्डर पे जैसे क्लिक करेंगे तो इसके प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो एसएल रेंज आपको यहां पे देखना स्टार्ट हो गया। देखिए एसएल रेंज क्या है, ये आपको यहां पे दिखना स्टार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद टारगेट रेंज क्या है, ये आपको यहां पे दिखना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपका एसएल का रेंज हो गया, ये आपका टारगेट का रेंज हो गया। ओके, सो उसके बाद नीचे यहां पर ऑर्डर सबमिट, इसी पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि जैसे बाई हो गया, बाई होने के बाद क्या होगा कि आपका ऑटोमेटिक इसका प्राइस 141.75 चला जाएगा, तो ऑटोमेटिक ये एग्जिट हो जाएगा। या तो फिर इसका अगर टारगेट 204 पे चला जाएगा फिर भी ऑटोमेटिक ये 204.75 पे चला जाएगा, तो ऑटोमेटिक ये एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो सिस्टम है जीटीटी का, यानी कि जीटीटी का जिसमें एक साथ आप टारगेट और स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ये
साथियों, अगर आप मान लिया जाए कि अगर इस तरीके से अभी ट्रेडिंग करना चाहते हैं जिसमें एक साथ टारगेट और स्टॉप लॉस लगाने का ऑप्शन मिले, तो वो आपको अपस्टॉक प्रोवाइड करता है। ओके, सो अपस्टॉक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के अगर आप अकाउंट को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद आपको हमारे तरफ से मेरा जो सेटअप है वो सेटअप हम आपको फ्री में हम अपने कम्युनिटी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां से आप लगातार लर्निंग बिल्कुल आपके लिए फ्री हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, फ्री तब होगा जब आपका अकाउंट ओपन होगा। लेकिन अकाउंट ओपन होने के बाद अगर आप उस ग्रुप में ज्वाइन करते हैं तो आपको वहां पे लर्निंग वाले ग्रुप आपको ऐड नहीं किया जाएगा, बिकॉज क्योंकि लर्निंग वाले ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको सबसे पहला काम है इसको लिंक से क्रिएट करना है, यानी कि इस लिंक से आपको अकाउंट क्रिएट करना है एंड उसके बाद आप इसमें ऐड हो सकते हैं।